दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 2 सितंबर 2022 आज के लव राशि फल के बारे में। आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों आज का लव राशि फल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों आज चंद्रमा तुला राशि में शाम 6 बजे तक, तत्पश्चात वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। विशाखा नक्षत्र के चंद्रमा रहेंगे जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है। किस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित करेंगे आज के चंद्रमा, आइए जानते हैं। बात करेंगे राशिफल की। राशिफल में हम बात करते हैं सबसे पहले राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर जा सकते हैं। आज के दिन अगर आप शादी को लेकर के चर्चा करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ में, अथवा शादी के लिए अगर आप कोई व्यक्ति देख रहे हैं, अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो आप आज के दिन प्रयास कर सकते हैं। और अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं इस उद्देश्य से कि वो आपसे शादी करे, तो आज आपके लिए बहुत ही सफल दिन रहने वाला है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में या लव लाइफ में आपके पार्टनर आपसे खुद आज बहुत ज्यादा बात करने में इंटरेस्टेड होंगे। वो आपसे बहुत लड़ाई झगड़ा करते होंगे, तो यहाँ पर ऐसा सामंजस्य बन जाएगा कि आज दिन भर लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। जो व्यक्ति बात बात पर आपसे लड़ता झगड़ता था, वो अब बहुत प्यार से पेश आ रहा होगा। ये बात देख करके, इन चीज़ों को देख करके आप बहुत आश्चर्य में होंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें खुद भी संभालनी होंगी, क्योंकि आप इस नेचर को, उनके अलग अलग बर्ताव को, व्यवहार को देखेंगे। इसके विपरीत आप ये मत कहिएगा या कोई टोंट मत मारिएगा कि इतना सुधार कैसे वगैरह वगैरह, जो आप हमेशा कर देते हैं। अगर ऐसा कुछ कर दिया तो आप निश्चित रूप से अपने पार्टनर को फिर से वही रूप में देख लेंगे, क्योंकि वो अपने आप को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं ऐसा नजर आ रहा है। आज वो बहुत सारी चीजें अपने अंदर बदलना चाहते हैं, ऐसा आपको प्रतीत होगा। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर थोड़ी बहुत नोकझोंक होगी मैरिड लाइफ में, लेकिन फिर भी दिन काफी ठीक रहेगा। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों के लिए है मैरिड लाइफ में जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, या जिनके पार्टनर बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं। अभी वर्तमान में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति भर चुकी है। अगर बहुत नेगेटिव विचारों से उत्प्रोत हो रहे हैं, बार बार हर साइड से नेगेटिविटी ही आप ग्रहण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये दिन आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक होगा। वैसे नॉर्मल है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको समझने का प्रयास करेंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे और आपकी आज तारीफ भी बहुत करेंगे, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर ना जाएं, क्योंकि आज के दिन आप अगर किसी को डेट करते हैं, किसी के साथ जाते हैं, तो वहां पर आपकी असलियत या कुछ बातें आप जो उनसे छिपा करके जाएंगे, वो उन चीजों को जान लेंगे और वहीं आप दोनों के साथ में बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो जब रिश्ते की शुरुआत ही दिक्कत से हो, तो ऐसे रिश्ते को या ऐसे दिन से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। लव लाइफ में आपके पार्टनर आज अपने एक्स पार्टनर के साथ में कहीं ना कहीं फिर से इन्वॉल्व हो जाएंगे, और ये एक्स पार्टनर के साथ जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो एक्स पार्टनर उनके फोन मैसेजेस वगैरह चेक कर ले और ये अचानक से हो जाए, क्योंकि आपके पार्टनर ने ये गलती की है, तो अचानक से ऐसा हो जाए और आपके पार्टनर को कोई थर्ड पार्टी ब्लैकमेल करे, या आप उससे इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी की बातों में आकर के आपको ही बहुत ऐसी बातें बोल रहा है जो आपको सुनने में अच्छी नहीं लग रही हैं। दूसरी बात, आपको बहुत ज़्यादा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जैसी स्थिति एक दूसरे में बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप ये एक अलग ही रूप देखेंगे अपने पार्टनर का। जो व्यक्ति आपके दिन रात नाम लेता था, वो अब आपके बारे में सोचना भी नहीं चाहता है। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आज थर्ड पार्टी को सामने लेकर आएंगे, या थर्ड पार्टी का नाम ले देंगे आपके सामने,
इससे कोई पास्ट, कोई बात आपको पास्ट की उनकी पता चल जाए, उस वजह से झगड़े होंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आज आपको काफ़ी रोमांटिक दिखाई देंगे और आज आपके साथ काफ़ी समय भी बिताएंगे, ये स्थिति है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन डेट पर जा सकते हैं। लव लाइफ में पार्टनर आज अपनी फैमिली को मनाएगा और शादी के लिए बात बन सकती है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी स्थितियां सुधरने की कगार पर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको संभल के रहना चाहिए। मैरिड लाइफ में आपको अपना बचपना छोड़ देना चाहिए और जिम्मेदारियों को ग्रहण करना चाहिए। अगर आप जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाएंगे तो आज दिन भर रोते रहेंगे, क्योंकि पार्टनर आपको बहुत दुत्कारेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आज आपकी बहुत परीक्षा लेंगे और बात बात पर वो ऐसे बात करेंगे, ज़्यादा घुमा घुमा करके बात करेंगे, जिससे कि आप समझ जाइएगा कि अगर वो नॉन स्टॉप लगातार 5-10 मिनट बोले जा रहे हैं और आपको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, यानी कि वो झूठ बोल रहे हैं और आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कुछ सफाई भी दे सकते हैं अपने बारे में, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों सिंगल हैं तो आज के दिन सावधान रहें, आपके साथ में कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। लव लाइफ में आपके पार्टनर इमोशनल करके आपको ब्लॉक कर सकते हैं। आज के दिन आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आप अपने पार्टनर से रह सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई तीसरा व्यक्ति उस कॉन्टैक्ट को नहीं होने देगा। हो सकता है उनकी फैमिली हो या इत्यादि कोई व्यक्ति हो। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करेंगे, लेकिन आपसे आज एक बहुत बड़ी या छोटी सी गलती हो जाएगी, वो गलती उनकी नज़र में छोटी नहीं होगी, इस वजह से आज दिन खराब हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपकी जिद की वजह से आज पूरा दिन खराब जाएगा। अगर आप जिद नहीं करेंगे, समझ जाइएगा जहाँ जिद हो रही है और काम बिगड़ने वाला है। जिद नहीं करेंगे तो दिन ठीक निकल जाएगा, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर बिल्कुल ना जाएं। लव लाइफ में आपके पार्टनर का कोई दोस्त आपको मैसेज करेगा और आपके पार्टनर आप दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी बना देंगे, कुछ गलतफहमी बन जाएगी, कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी जो बड़ी ही अजीब और बड़ी ही घृणात्मक किस्म की लगेंगी। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करेंगे, यहाँ पर स्थितियाँ बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको धोखा दे देंगे, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर ना जाएं। आपके पार्टनर बनने से पहले ही वो आपके बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी, बहुत ऐसी हो जाएंगी जो आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। लव लाइफ में आपके पार्टनर पास्ट की बातों को बार बार दोहराएंगे, जिससे कि आप उनसे झगड़ें और झगड़ा हो जाएगा। पास्ट की बातें न सुने न सुनाएं, यही आज के दिन का मंत्र होना चाहिए आपके लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बात होगी, लेकिन बहुत ही ईगो के कारण बात बिगड़ जाएगी। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा बेवकूफ समझते हैं, इसलिए वो आपको कोई भी बात बताने में बड़ा संकोच करते हैं। उन्हें लगता है कि आपसे कोई बात बताने नहीं चाहिए, आप लायक नहीं उस बात के, और ये आज दिन भर आप महसूस करेंगे कि कोई बात है जो आपके पार्टनर आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से, उनकी प्रॉब्लम ही हो कुछ भी हो, कि आपके साथ में वो प्रॉब्लम शेयर करने से उन्हें कोई फ़ायदा है, कोई मतलब नहीं, कोई एहसास नहीं है उस चीज़ का कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं, क्या है आपके दिल में, क्या उनके दिल में आपके लिए, ऐसी चीज़ें आपको बहुत परेशान करेंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप कम बोलें तो आपके लिए दिन बेहतर बन जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों सिंगल हैं तो अकेलापन परेशान करेगा। लव लाइफ में पार्टनर आप पर जानबूझ करके शक करेगा, ऐसा व्यवहार करेगा जैसे कि आपसे बहुत प्यार करता है, ऐसा व्यवहार करेगा जैसे कि बहुत इनसिक्योर है वो आपको लेकर के, लेकिन ये सब उसका नाटक होगा और इस नाटक के चक्कर में आप ये समझ लेंगे कि वो आपसे बहुत प्यार करने लगा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आने की संभावना तो दिखाते हैं, लेकिन जो उम्मीद वो बनाकर रखे हैं वो सिर्फ आपको एक ऑप्शन मात्र दे रखे हैं, वर्तमान में वो किसी थर्ड पार्टी से इन्वॉल्व हो चुके हैं। आज के दिन आपको सबसे ज़्यादा मैरिड लाइफ में कष्ट होगा, क्योंकि मैरिड लाइफ में आपकी पूरी तरह से दिन की स्थिति इतनी भयानक हो जाएगी, जिससे कि आपको अंदर ही अंदर
नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा इतनी आपको परेशान कर लेगी कि आपको बड़ा डिप्रेशन फील होगा, मन चिड़चिड़ाएगा और हो सकता है कि अगर चंद्रमा कमजोर है तो आप ऐसे भी डिसीजन लेने की सोचने लगे जैसे आत्महत्या वगैरह का भी आप मन में ख्याल आने लगे आपके। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपसे बिना बताए बहुत कुछ ऐसा आपके लिए कर रहे हैं जो आपको बहुत सारी खुशियां दे सकता है, तो उसके लिए आपको वो बातें छिपाएंगे, उन्हें जानने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपकी खुशी फीकी पड़ जाएगी। ये स्थिति है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप सावधान रहें। आज के दिन आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल जाएंगे जो बड़ा ही झगड़ालू होगा और आप उसके साथ अगर रिलेशनशिप में आ गए या दोस्ती में भी आ गए तो आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। लव लाइफ में आज के दिन आपके पार्टनर आपके लिए खर्चे करेंगे और आपको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे। अगर आपने अपने पार्टनर को फाइनेंशियली कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले सपोर्ट किया है तो उस चीज का एहसास आपके पार्टनर को होगा, उन्हें महसूस होगा कि आप उनके लिए कितना मायने रखते हैं, आपने कितना कुछ किया है आपके लिए, आपने उनके लिए कितना कुछ किया है। मन में विचार आएंगे, यानी कि जो फीलिंग्स हैं जिसके लिए आप तरसते हैं कि काश हमें इज्जत दे आपका पार्टनर, हमारा पार्टनर, तो आपको वो इज्जत मिलेगी पार्टनर से, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि आप उसके लिए बहुत कुछ हैं। लेकिन आप इसमें ज़्यादा खुश मत हो जाइएगा, क्योंकि ये सब आज के दिन का ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फीलिंग्स जो है ना बस एक दिल में समा रही हैं और फिर निकल भी जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति का नक्षत्र है, ज्ञान होगा उसका प्रभाव भी लुप्त हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिविटी, नकारात्मकता आपके पार्टनर के अंदर बहुत है। मैरिड लाइफ में आपको अपने पार्टनर को समझाना चाहिए कुछ चीज़ों को लेकर के, उन्हें आपके ऊपर भरोसा नहीं है, तो आप अगर समझाएंगे तो दिन आपका ठीक निकलेगा और आपके काफ़ी आगे आने वाली ज़िंदगी भी सवर जाएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप अपने पार्टनर की जो बातें बर्दाश्त कर रहे हैं वो आपको बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। आज का दिन आपके लिए है, इसलिए आपको अपने पार्टनर को चाहे ब्लैकमेल करना पड़े चाहे कुछ करना पड़े, लेकिन उसे ये एहसास दिला दो कि अगर हमारी केयर नहीं है, हमारी कद्र नहीं है तुम्हें, तो हम भी तुम्हारी कद्र नहीं करेंगे, चाहे फिर चाहे कुछ भी हो जाए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सबसे ज़्यादा आपको अपने पार्टनर पर जो भी बातें वो बोले उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। कोई आश्वासन दें, कोई प्रॉमिस करें, उस पर भरोसा नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर भी जा सकते हैं, लव लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, पार्टनर आपको बहुत प्यार करेगा और शाम के वक्त में तो और ज़्यादा आपके लिए खुशी का माहौल रहेगा। आज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप अपने पार्टनर से अचानक से मिल सकते हैं। मैरिड लाइफ में आप अपने एक्स पार्टनर से अचानक से मिल जाएंगे, जिस वजह से आपके पार्टनर को पता चल जाएगा कि आपके पास्ट में जो चीज़ें थीं अब वो माइंड में आपके चलने लगी, उस वजह से आज हो सकता है थोड़ी बहुत आप दोनों के बीच में तर्क वितर्क भी हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज बहुत ही समझदारी से दिन को सही से संभाल लेंगे और पार्टनर की हर बात को अच्छे से आप मैनेज कर लेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप किसी अपने ऑफिस में कोई आपका बॉस है या आपका कलीग है उससे आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है या आपकी फ्रेंडशिप बहुत आगे जा सकती है। लव लाइफ में अगर आप अपने ऑफिस में अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आज आपकी शादी फिक्स हो सकती है, लेकिन अगर अलग आपका कोई सिस्टम है तो आप वहाँ पर नो कॉन्टैक्ट में या इग्नोर भी किए जा सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपको इग्नोर करेंगे और आपके मैसेज को ऐसा लगेगा जैसे वो देख ही नहीं रहे हैं। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी शिकायतें करेंगे, हो सकता है कि आपकी जिस चीज़ में ज़्यादा रुचि है उस चीज़ में उनकी रुचि नहीं है। बातचीत से आपको लगेगा जैसे पार्टनर आपसे कुछ मांग रहा है, कुछ शर्तें रख रहा है या आपसे कुछ एक तरह से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप अपने पार्टनर की आज हर एक बात मानेंगे तो आप फायदे में रहेंगे और घूमने फिरने जाने में भी आपकी भलाई है। आप पार्टनर को समय दीजिए तो आज आपका दिन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, सिंगल हैं तो आज आपका दिन सामान्य है। लव लाइफ में पार्टनर के साथ में आप कहीं डिनर पर जा सकते हैं। लव लाइफ में आपके पार्टनर आज आपको कुछ प्रॉमिस भी कर सकते हैं,
मैरिड लाइफ में ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो सकते हैं, विश्वास की कमी होने की वजह से आपके पार्टनर आपको बहुत ही लांछन लगा सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपकी पार्टनर आपको छोड़ने की बात करेंगे और इससे आपका दिल बहुत घबरा जाएगा, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर ना जाएं। लव लाइफ में आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेंगे, कुछ नाजायज गुस्सा भी आपके पार्टनर आप पर कर सकते हैं। गलती खुद की होगी तब भी आपको ही डांट लगाएंगे। मैरिड लाइफ में हो सकता है आप अपने पार्टनर का कोई अफेयर पकड़ लें या कोई झूठ पकड़ लें, उसके बावजूद भी गाली आपको ही देंगे, लड़ाई आपसे ही करेंगे, डांट भी आपको ही करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको बहुत सारी चीज़ें समझाएंगे, सिखाएंगे और आपको एक अच्छा पार्टनर बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यह था आज का लव राशिफल। अगर आपको आज का लव राशिफल पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।